ये वीडियो अमेरिका के टेक्सास का है। वीडियो में दिख रहा है महिला भारतीय मूल की है और उसने गाली गलौच और मारपीट कर रही महिला अमेरिका मैक्सिकन की है। इस नस्लीय हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह हमलावर महिला भारतीय अमेरिका महिलाओं के साथ बदसुलूकी करते हुए उन्हें भारत वापस चले जाने की बात कह रही है। वो कह रही है कि मुझे भारतीयों से नफरत है। ये घटना 24 अगस्त की रात की है जब भारतीय मूल की चार महिलाएं सिक्स सिटी वाइन रेस्टोरेंट से खाना खाकर आ रही थी। तभी पार्किंग एरिया में नशे में धुत अमेरिकन मैक्सिकन महिला उन पर नस्लीय टिप्पणी करने लगी। जब भारतीय महिलाओं ने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने हमला करने की कोशिश की। खबरों के मुताबिक आरोपी महिला ने उन पर गन भी तान दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्लानो पुलिस ने प्लानो की रहने वाली आरोपी महिला एस्मेराल्डा अपटन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्लानो पुलिस ने एस्मेराल्डा पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है जिसमें नस्ली हमला और आतंकी हमले की धमकी शामिल है। इसके अलावा उस पर $10,000 का जुर्माना लगाया गया है। वहीं इस हेट क्राइम की घटना को लेकर काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी CAIR ने पुलिस में शिकायत की है और अपटन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। CAIR के कार्यकारी निदेशक फैजान सैयद ने कहा कि प्लानो में चार भारतीय अमेरिका महिलाओं पर हमला किया गया। ये घटना भयावह है। टेक्सास में इस तरह की नफरत के लिए जगह नहीं है। हमने पुलिस को सूचना दी और इस हेट क्राइम की जांच करने की अपील की। वहीं प्लानो पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। दरअसल टेक्सास की सिक्स सिटी वाइन रेस्टोरेंट के पार्किंग में 24 अगस्त की रात को कुछ भारतीय अमेरिका महिलाएं आपस में बात कर रही थी। तभी एक मैक्सिकन अमेरिकन महिला उनके पास आई और नस्लवादी गालियां देने लगी। उसने महिलाओं को धमकाया। इस दौरान वीडियो बनाते देख उसने एक महिला के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। वह अपने बैग में हाथ रख कर भारतीय अमेरिकी महिलाओं को गोली मारने की धमकी देती है। भारतीय मूल की महिलाओं के साथ मारपीट करने वाली महिला की पहचान एस्मेराल्डा अपटन के रूप में हुई है। आरोपी एस्मेराल्डा वीडियो में कह रही है कि तुम भारतीयों से नफरत करती हूँ। ये सभी भारतीय अमेरिका इसलिए आते हैं क्योंकि वे एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं। आपको बता दें कि भारतीयों के साथ अमेरिका में हेट क्राइम का ये पहला मामला नहीं है। इसी साल की शुरुआत में न्यूयॉर्क में 10 दिन के अंतराल में एक बुजुर्ग और एक युवा सिख पर हमला किया गया था। वहीं VOA न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के बड़े शहरों में इस साल के पहले 6 महीनों में हेट क्राइम के मामले तेजी से बढ़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका में 2021 में हेट क्राइम में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है।